आइए अभी हम बनाएंगे लौकी चना दाल। और इसके लिए प्रेशर कुकर मैंने गर्म कर लिया है और ये 200 ग्राम के करीब करीब एक छोटा लौकी मैंने इस तरह से डाइस कट कर लिया है, टुकड़ों में काट लिया है। डाल देंगे इसको यहाँ पे। घंटा मैंने इसको भिगा के रखा था चना दाल स्प्लिट बेंगल ग्राम, ये भी लगभग 200 ग्राम के करीब करीब है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और इसमें पानी डालेंगे ये जितना ये डूब जाए, तो मतलब एक ग्लास के आजू बाजू अप्रोक्स हमने पानी इसमें डाल दिया है। और मिलाएंगे इसमें 1.5 टीस्पून के आसपास सॉल्ट, नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी। और इसको 6-7 मिनट अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक के हमारा दाल और लौकी बॉईल होता है, यहाँ मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पे 2 फाइनली चॉप की हुई प्याज डाल देंगे, डालेंगे ग्रीन चिली 3 बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक, आया 3 मिनट का वक्त हो चुका है। तभी 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने काट के रेडी रखा था, ले लेंगे और डालेंगे इसमें 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे नमक, सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, और मिला लेंगे इनको। आइए 5-6 मिनट हो चुकी है हमारी ये जो प्याज और टमाटर की पेस्ट को, तो इसमें अब 2-4 टेबलस्पून जो है हम पानी डाल देंगे और 2 से 3 मिनट इसको भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। सिर्फ 2 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। आइए 2 से 2.5 मिनट हो चुकी है, तो गैस को बंद करके ये ग्रेवी नीचे उतार के हम मिक्सर में पीस लेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। अब उसी कढ़ाई को मैंने रखा हुआ है और इसमें ये 2 बड़े चम्मच ये वाले कुकिंग ऑयल ले लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, और तेल जो है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तेल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो आइए सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जो है मस्टर्ड राई और 1 टीस्पून ये क्यूमन सीड जीरा डाल देंगे इसमें, और 1-2 मिनट तक इसको फ्राई कर लेते हैं। आइए मस्टर्ड राई क्रैकलिंग होना शुरू हो चुका है, तो डालेंगे 2 ड्राई रेड चिली, 2 तेज पत्ता बे लीव्स, और ये कुछ करी लीव्स करी पत्ता, ये सभी मीडियम रखा हुआ है, और 1 टीस्पून डालेंगे ये लहसुन का पेस्ट, और डालेंगे 1 टीस्पून अस्फोटिडा हींग, और आइए 2 से 3 मिनट के बाद ये जो ग्रेवी हमने पीसी थी वो इसमें डाल देंगे।
आइए, 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं तो अभी हमारा ड्राई मसाला डालना शुरू करेंगे। आइए, मीडियम फ्लेम पे लगभग पूरा 10 मिनट मैंने ये मसाला को पकाया है, कुक किया है। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है, मसाले सेपरेट हो चुके हैं। और ढाबा में मोस्टली यही होता है, मसाले काफ़ी अच्छे से उसको पकाया जाता है, अच्छे से कुक करने से उसका फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो अब हमने जो ये बॉइल किया था चना दाल और दूधी, ये इसमें डाल देंगे। और ये थोड़ा मिक्सर में जो बच गया था तो इसमें आधा ग्लास से भी कम हमने पानी ले लिया था, ये डाल देंगे। और एक नींबू का जूस इसके अंदर मिला देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 7 से 8 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेते हैं। आइए, 8 मिनट मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लिया है, देख लेते हैं क्या सीन है। गैस लो। डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, जितना हो सके उतना ज्यादा डालिए, और सर्विंग बाउल में निकाल देंगे।